रोल का सर, एक हम तक रोल सर। शेतकऱ्याचा 6 मार्चला दिल्ली धडकणार, 10 तारखेला रेल रोकोचा इशारा दिलेला आहे, शेतकऱ्याचा हमी भाव असतो। शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत। 10 वर्ष नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान आहेत। 2014-2019 या दोन्ही वेळेला नरेंद्र मोदी यांनी वचन दिलं होतं शेतकऱ्यांना की हमी भावासंदर्भात निर्णय घेऊ, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा हमी भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP भाजपा सरकार हे मोदी की गॅरंटी देऊ, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल दुप्पट, किसानों का इनकम डबल, ये मोदी गॅरंटी। 10 साल के बाद भी 10 वर्षानंतर सुद्धा एकही गॅरंटी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झाली नाही, उलट शेतकऱ्यांवर 3 काळे कायदे लादण्याचा प्रयत्न झाला। शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला देणग्या देणारे बड़े उद्योगपत्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला। शेतकरी जेव्हा न्याय मागण्यासाठी पुढे येता आले तेव्हा त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकंडा आणि गोळ्या चालवण्यात आल्या, ही मोदींची गॅरंटी। नरेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं 2020 साली, तेव्हा 720 शेतकऱ्यांना मृत्यू पत्करावा लागला। कालच्या आंदोलनामध्ये 4 शेतकरी मृत्यू पावले। आता उद्याच्या आंदोलनामध्ये जे दिल्लीत शेतकरी येणार आहेत मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मुख्य मागणीसाठी, तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावरती रणगाडे चालवणार का? देशातला शेतकरी वर्गाचा आवाज हे शेतकरी उठवतायत आणि त्यांच्या मागण्या अत्यंत सामान्य आहेत। नरेंद्र मोदी हे दोन्ही निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फसवणुकीची भूमिका घेत होते, हे आता स्पष्ट झालं आहे। म्हणून देशातला शेतकरी अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरला आहे। दिल्लीत राजधानीमध्ये त्याला येऊ दिलं जात नाही। राजधानी काय भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीची आहे की काय? राजधानी देशाची आहे, प्रत्येक नागरिकाची आहे आणि प्रत्येकाला देशाच्या राजधानीत येऊन आपले प्रश्न मांडण्याचा अधिकार आहे। दिल्लीमध्ये ब्रिटिशांचाही दरबार भरत होता आणि शेतकरी ब्रिटिशांच्या दरबारात सुद्धा आपली मागणी जाऊन मांडत होते। महात्मा फुले यांचं नाव आपण घेता, महात्मा फुल्यांनी तर ब्रिटिशांच्या दरबारात जाऊनच शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडलेल्या आहेत, शेतकऱ्यांचा आसूड कडाडला आहे। पण या मोदींच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत, देशाच्या राजधानीत जाता येत नाहीत, मुंबईत येता येत नाही, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे। म्हणून आम्ही आज सगळे चर्चा करू शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी आणि त्यानंतर काय करायचं ते पाहू। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, शेतकऱ्यांचे असतील हिंदी में जानना चाहेंगे, 10 तारीख को पूरे फार्मर्स रेल रोको कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली में उनको जाने नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखो, दिल्ली देश की राजधानी है और अगर हमारा किसान बेरोजगार मजदूर जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहां जाएगा वो? ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहां भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे, लेकिन मोदी जी के सरकार में ये गारंटी है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते। किसान क्यों आ रहा है? किसान को MSP चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से। मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तक एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन क्या हो रहा है? हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे। जहां वो महाराष्ट्र में आए थे यवतमाळ वाशिम में,
चार दिन पहले महाराष्ट्र में, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन किसानों के परिवार, किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं। ये गारंटी वाले किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं, अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलेगी, आपको मारा जाएगा। ये सरकार है इस देश की। मोदी का कल एक बयान आया, जो प्रधानमंत्री उनका एक बयान आया कि 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो फसल है या जो डेवलपमेंट है उसकी नींव नहीं रखी थी, और 2014 के आने के बाद हमने वो नींव रखी। और जो पांच ऐसे प्रकल्प मोदी जी ने दिखाने चाहिए, ये मोदी ने किया है। मोदी जी ने 10 साल में जो सब उद्घाटन किया है उसकी नींव 2014 से पहले रखी थी, चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला हो, इतना बड़ा जो ब्रिज का निर्माण किया है, चाहे जम्मू वाला हो, चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी। मोदी जी ने सिर्फ काटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ के आधार पर उनकी सरकार बनी है। तो आप कितने झूठ बोलोगे? आप 2-3 महीने है जितना झूठ बोलने का अपने नशा है, आप कर लीजिए। सर, महाकोट के जज थे, अभिजीत, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए रिजाइन दिया है, किस तरीके से देखते हैं? अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहां चेयर पर बैठे है, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, किसी एक पार्टी का काम कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग की मीटिंग हो गई थी, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर फिर से ट्वीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, प्रकाश अम्बेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में 6 तारीख को हम एक साथ बैठ रहे, प्रकाश अम्बेडकर जी भी शामिल, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में। और जो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने, लोकतंत्र खतरे में है, संसद खतरे में है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है, तो प्रकाश आम्बेडकर जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसे विचारधारा को ताकत मिले। मोदी जी की सरकार डॉक्टर आंबेडकर के विचारधारा को नहीं मानी, आंबेडकर जी की विचारधारा दलित, शोषित, पिछड़े, किसान, जवान, उनके हक के लिए लड़ने वाली उनकी विचारधारा थी, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे। तो प्रकाश अम्बेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे। आखिरी बार भी उन्होंने यूटर्न मारा था सर, प्रकाश अम्बेडकर जी ने लास्ट बार भी, लास्ट टाइम में मायावती जैसा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मायावती के ऊपर एक ठप्पा बैठा है कि ये बीजेपी को मदद करती है, दलित पिछड़ों को गुमराह करती है, ऐसा ठप्पा मायावती जी के ऊपर है। और मुझे विश्वास है अम्बेडकर के जो वंशज है प्रकाश अम्बेडकर जी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो पूरे दलित पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ एक ताकत खड़ी करके महाविकास आघाड़ी के साथ आएंगे और देश के तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर, तुमचा काय आहे? आंबेडकर म्हणतात की अजूनही आमच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे, आणि पवार म्हणतात 6 मार्च पर्यंत प्रकाश आंबेडकर हे सन्माननीय नेते आहेत वंचित बहुजन आघाडीचे। आमचा आणि त्यांचा उत्तम संवाद सुरू आहे। प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढावा, आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात। आम्ही करतो, तेही करतात। आमच्यामध्ये हुकुमशाही विरुद्ध लढण्याच्या संदर्भात कोणते मतभेद नाहीत। मग ते माननीय शरद पवार असतील, माननीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील, नाना पटोले असतील, किंवा बाळासाहेब थोरात असतील, काँग्रेसचे नेते कोणी असतील, आमचं सगळ्यात पहिले ध्येय आहे महाराष्ट्र आणि देश।
हा हुकुमशाही मुक्त करायचा. भारतीय जनता पक्षानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा, त्यांनी निर्माण केलेलं संविधान हे पायधळी तुडवण्याचं काम सुरू केलंय. सगळ्यात आधी संविधान पायधळी तुडवणाऱ्याचे पाय खाली खेचून त्यांना सरकारमधून खाली खेचलं पाहिजे, ही प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांच्या एकीची वज्रबूट आवश्यक आहे. आम्ही उद्या 6 तारखेला एकत्र बसतो आहोत आणि मला खात्री आहे की प्रकाशजी हे राष्ट्रीय प्रवाहात सामील असल्यामुळे ते पूर्णपणे देशाच्या जनमानसाचा अंदाज घेऊन, माहिती घेऊन इंडिया आघाडी, महाविकास आघाडी यांच्यासोबत राहतील. बीजेपी के नेता जैसे हिमंता शर्मा ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी और उनका कोई वजूद ही नहीं. ये टुकड़े 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 दमा करके अपने इंडिया बना रही है. अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत होती तो अपने बुलबतियों को चुनाव लड़ते. 400 पार, ये 400 पार का नारा जो आप दे रहे हो ना, ये टुकड़े टुकड़े एक साथ कर कर दे रहे हो. उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, ये तोड़बाज पार्टी है. हाँ, ये सब तोड़ तोड़ कर पार्टी बना रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं. जरा उनको बोलिए अपना पार्टी का इतिहास समझ ले. आप कांग्रेस से आए हैं, आपको कांग्रेस का इतिहास ज्यादा मालूम है, बीजेपी को इतिहास समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दमन दीव से लोकसभा, मुझे मालूम नहीं. अगर प्रियंका जी चुनाव इस बार चुनाव लड़ती है देश किसी भी चुनाव क्षेत्र से, तो इंडिया गठबंधन को उनका उनका फायदा होगा. राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी, ये तीन ऐसे नेता हैं कहाँ से भी चुनाव लड़े वो जीत जाएंगे और उसका फायदा हमारे गठबंधन को जरूर होगा. अगर प्रियंका जी दीव दमन से चुनाव लड़ना चाहते हो तो उनका पार्टी का निर्णय है. अगर यूपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका पार्टी का निर्णय है. लेकिन चुनाव के मैदान में प्रियंका जी उतरेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा. भारतीय जनता पार्टी की पहली लोकसभा के लिए पहली लिस्ट जाहिर हुई है लेकिन महाराष्ट्र में से किसी का नाम नहीं है वो लिस्ट में. कल उद्धव ठाकरे साहब ने उस बारे में बात की है कि कृपाशंकर का नाम आ सकता है, पवन सिंह का नाम आ सकता है, ये सब टेंटेड लोग हैं. लेकिन महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट नहीं आना, ये उनका अपमान है, महाराष्ट्र का भी अपमान है. वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, बहुत ही प्रामाणिक नेता है. तो हम सबको बुरा लगा कि नितिन जी का नाम नहीं है पहले लिस्ट में. क्या होगा मुझे मालूम नहीं, देख लेंगे. चले थैंक यू. शिंदे सेना के एमएलए ने रामदास का नंबर है.